नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे देश के बारे में जहां की जीडीपी के 7% अकाउंट्स माफिया के नाम पर हैं और इस देश ने अपने ट्रैफिक पुलिस को लैम्बोर्गिनी कार दी हुई है। आइए जानते हैं इस देश के बारे में रोचक बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इटली से जुड़ी हुई कुछ बेहद रोचक बातें। इटली में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ करीब 50 विश्व धरोहर स्थल हैं। वैसे तो इटली बहुत खूबसूरत देश है, मगर सन 1861 से 1985 के दौरान 26 मिलियन लोग इटली छोड़कर चले गए थे। 61 लाख जनसंख्या के साथ इटली यूरोप में 5वीं सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत 7वें नंबर पर आता है। इटली के करीब आधे तलाक के मामलों में व्हाट्सएप को गवाह बनाया जाता है। पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा भूकंप इटली में ही आते हैं, और तो और पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इटली में ही सक्रिय हैं। इटली एक ऐसा देश है जो दो देशों को चारों तरफ से घिरे हुए है, विटिकन सिटी और सैन मारिनो को। इटली का पोवेजिला नामक द्वीप इटली का सबसे खतरनाक द्वीप माना जाता है। यह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। आपको यह बात अजीब लगेगी, लेकिन यह सच है कि हर साल लगभग 5 लाख इटालियन लोग एक ओझा के पास जाते हैं। इटली दुनिया का सबसे बड़ा शराब उत्पादक देश है। यहाँ पर वाइन सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना शहर है। इसका क्षेत्रफल 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है। इटली में एक रेस्टोरेंट है जो गुफा के अंदर बना हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक इटालियन आदमी ने अपनी $13 मिलियन की संपत्ति अपनी बिल्ली के नाम कर दी थी। इटली के मिलान शहर में किसी की मृत्यु पर हंसना जायज है। इटली की बोलना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1080 ईस्वी में हुई थी। इटली के फ्लेसियानो डेल मेसिको नामक एक गांव में मरना अवैध माना जाता है, क्योंकि वहां का कब्रिस्तान पूरी तरह से भर चुका है। सॉकर इटली का सबसे पसंदीदा खेल है। इटली 4 बार विश्व कप भी जीत चुका है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 57 किलोमीटर की है, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक बनी है। इसे बनाने में करीब 17 साल लगे थे। इटली में यदि कोई आदमी स्कर्ट पहनकर बाहर निकलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2013 में एक इटालियन आदमी अपनी पत्नी से बचने के लिए जेल जाना चाहता था। हर रोज हजारों इटालियन लोग करीब 3,000 यूरो इटली के ट्रेवी फाउंटेन में फेंक देते हैं। एक तिहाई इटालियन लोगों ने अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। इटली का एक रेस्टोरेंट एक गुफा में बना है, यह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इटली में हर साल 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। इटली की 60% कमाई भी इसी से होती है। कांटे का चम्मच इटालियन पास्ता की वजह से पूरे यूरोप में सबसे पहले इटली में ही इस्तेमाल किया गया था। इटली में आप किसी को नो बॉल्स नहीं कह सकते, यह एक कानूनी अपराध है। इटली भारत की तरह ही 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इटली में 2.5 मीटर लंबी ईसा मसीह की एक जलमग्न कांस्य प्रतिमा है। गैलीलियो की मिडिल फिंगर फ्लोरेंस इटली के एक संग्रहालय में रखी हुई है। इटली में एक पहाड़ी की चोटी पर एक 180 फुट लंबा गुलाबी बनी है। 20वीं शताब्दी के दौरान इटली की जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।